असलम डियर स्टूडेंट्स दिस इज रिहान रहमान एंड आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर फॉर ग्रेड नाइन टॉपिक इज द नीड फॉर एड्रेसिंग सो डियर स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया हमारा आज का टॉपिक है अबाउट द नीड फॉर एड्रेसिंग बट आज के टॉपिक पर मूव करने से पहले हम लेंगे क्विक सा रिकैप अपने प्रीवियस लेक्चर का लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी टी सी पी आई पी प्रोटोकॉल के सूट की जो प्रोटोकॉल हम टी सी पी आई पी सूट में यूज कर रहे हैं लास्ट लेक्चर में हमने उनको डिस्कस किया था हमने ये देखा था कि टी सी पी आई पी प्रोटोकॉल के अंदर जो कि टू प्रोटोकॉल्स का एक कॉम्बिनेशन है उसके अंदर फर्दर प्रोटोकॉल्स काम कर रहे हैं और हर लेयर पर हर लेयर के कुछ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स हैं जो कि क्या काम करते हैं कुछ स्पेसिफिक काम जो उस लेयर को असाइन किए गए हैं उनको परफॉर्म करने में हेल्प आउट करते हैं हमने थ्री द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोटोकॉल्स डिस्कस किए थे अपने लास्ट लेक्चर में वो थ्री कौन से थे एफ यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका काम क्या होता है जितनी भी हम फाइल ट्रांसफर करते हैं ओवर द इंटरनेट वो इस्तेमाल करता है एफ प्रोटोकॉल का जितनी भी आप अपलोडिंग कर रहे होते हैं या डाउनलोडिंग कर रहे होते हैं किसी भी फाइल की इन द फॉर्म ऑफ वीडियो इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो पिक्चर्स टेक्स्ट कुछ भी उसके बैक एंड पे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, है यूज करते हैं जब भी हम वेबसाइट्स को ब्राउज कर रहे होते हैं तो वहां पर काम कर रहा होता है हमारा एस टी टीपी प्रोटोकॉल बैक एंड पे आपने जितने भी आपने रिक्वेस्ट सेंड की डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट लिख कर तो आप देखते हैं जब आपको वो जो साइट है वो डाउनलोड होकर आती है आपके पास तो उसके स्टार्ट में एच लिखा हुआ होता है दैट इज एस को हम वेब सर्वर भी कहते हैं बिकॉज यहाँ पर सारे वेब पेजेस का कॉम्बिनेशन पड़ा हुआ होता है वो सारी स्टोरेज यहाँ पर हुई हुई होती है इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है लास्टली वी डिस्कस एस एम टी पी डेट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जितनी भी हम मेल्स कर रहे होते हैं ऑनलाइन जितनी भी ई मेल जनरेट की जा रही होती हैं सेंड रिसीव की जा रही होती हैं वो की जा रही होती हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटोकॉल दैट इज़ एस एम टी पी ये तो स्टूडेंट्स हमारा रिकैप था लास्ट लेक्चर का अब हम बात करेंगे आज के लेक्चर की जिसपे हमने देखना है हमें आखिर जरूरत पेश क्यों आई एड्रेसिंग की एड्रेसिंग डेटा कम्युनिकेशन में इन कंप्यूटर नेटवर्क क्या काम करती है हम जब भी डेटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं इन अ नेटवर्क हमारे डेटा कम्युनिकेट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफर होता है हमारा डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू एन अदर जब हम पैकेट को ट्रांसफर कर रहे हैं जिसमें है डेटा एक्चुअली उसके लिए हमें चाहिए होता है डेस्टिनेशन का एड्रेस जस्ट लाइक आपने जिस तरह किसी को लेटर लिखना है आपको रिक्वायर है उस डेस्टिनेशन का एड्रेस जिस पर वो लेटर जाएगा सिमिलरली जब हम कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात करते हैं हमें कोई मैसेज सेंड करना है कोई भी डेटा इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है उसके लिए हमें रिक्वायर होता है डेस्टिनेशन का एड्रेस कि ये कहाँ पर जाकर रिसीव होने वाला है हमारा सेंड किया हुआ डेटा या इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशंस हमारे जिस तरह मैंने आपको एक पहले लेक्चर में ही बात की थी आपके मोबाइल फ़ोन जो स्मार्टफोन्स हैं आपके लैपटॉप कंप्यूटर्स ज़रूरी नहीं है वहाँ पर सिर्फ एक ही एप्लीकेशन हो हमारे पास मल्टीपल एप्लीकेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा रिसीव और सेंड करने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर हम व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं हम इंस्टा का इस्तेमाल करते हैं और भी डिफरेंट ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप मैसेज को सेंड और रिसीव कर सकते हैं ये आइडेंटिफाई करना कि जो मैसेज सेंड किया गया है वो किस एप्लीकेशन के लिए मैसेज सेंड किया गया है इसके लिए हम लोग एक मैसेज के साथ एक नंबर अटैच होता है जिसको कहा जाता है पोर्ट नंबर पोर्ट नंबर ये आइडेंटिफाई करता है कि जो मैसेज सेंड किया गया है ये किस एप्लीकेशन ने दूसरी एंड पर डेस्टिनेशन एंड पर रिसीव करना है ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर आपने व्हाट्सएप की एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए एक मैसेज किया है अपने फ्रेंड को और उस फ्रेंड के पास व्हाट्सएप की एप नहीं इंस्टॉल वो मैसेज उसको रिसीव नहीं होगा बिकॉज वो मैसेज सिर्फ कौन एक्सेप्ट कर सकता है व्हाट्सएप की एप्लीकेशन पोर्ट नंबर जो असाइन किया गया है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये सिर्फ व्हाट्सएप पे ही डिलीवर होगा अगर वो इंस्टॉल नहीं है तो मैसेज रिसीव नहीं होगा इसलिए पोर्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि आखिर जो डेटा सेंड किया जा रहा है जो इन्फॉर्मेशन सेंड की जा रही है वो डेस्टिनेशन एंड पर किस एप्लीकेशन के लिए सेंड की गई है कौन सी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकती है किस एप्लीकेशन के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी है सो प्रॉपर एड्रेसिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है इन रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र आप जब तक प्रॉपरली डेस्टिनेशन एड्रेस मेंशन नहीं करेंगे बिल फर्ज आपने डेस्टिनेशन एड्रेस में पोर्ट नंबर मिस कर दिया तो आपका डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा बिकॉज डेस्टिनेशन साइट पर ये कन्फिगर ही नहीं हो पाएगा कि ये डेटा किस एप्लीकेशन के लिए भेजा गया है सो आपका डेटा हो जाएगा लॉस्ट इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी कि हमारे पास प्रॉपर एड्रेसिंग होनी चाहिए तभी हम रिलायबल तरीके से अपना डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं ये तो हमने बात की कि आखिर ये जरूरत पेश क्यों आई नाउ वी विल डिस्कस द ऑफ एड्रेसिंग इन डेटा कम्युनिकेशन डेटा जो हम सेंड करते हैं बिफोर सेंडिंग द मैसेज सोर्स मस्ट नो द डेस्टिनेशन एड्रेस जिससे मैंने आपको बात की हमें डेटा भेजने से पहले पता होना चाहिए कि डेस्टिनेशन क्या है इस डेटा की आखिर डेटा जाना कहाँ पर है तो बिफोर सेंडिंग अ मैसेज पता होता है बिफोर सेंडिंग यानी इंफॉर्मेशन और डेटा यह पता होना बहुत जरूरी है कि इसकी डेस्टिनेशन क्या है वरना आपका डेटा लॉस्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं डिवाइसेस जो हमारी नेटवर्क पर काम कर रही होती हैं इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट प्रॉपरली उनके लिए हमें एड्रेसेस बहुत जरूरी है ताकि उन्हें कंफ्यूजन ना हो वो हमारे डेटा को लॉस ना कर दें ये है इंपॉर्टेंस डेटा एड्रेसिंग की एड्रेसिंग की इन हमारे कंप्यूटर कम्युनिकेशन सिस्टम सो गिविंग एन एड्रेस टू अ मैसेज इज द फर्स्ट स्टेप पहला स्टेप हमारा ये है कि आपने अपने मैसेज को एड्रेस देना है आपने जो मैसेज सेंड करना है उसके पास एड्रेस होना चाहिए अपनी डेस्टिनेशन का द सेकेंड स्टेप इज टू ट्रांसमिट दैट डेटा जिसको हम पैकेट कह रहे हैं ऑन द जो भी हमने रेसिपेंट जो भी हमारी डेस्टिनेशन है उसकी तरफ हमने उसको ट्रांसफर कर देना है बट द फर्स्ट स्टेप द मेन स्टेप इज कि आपके पास बिफोर ट्रांसमिटिंग दैट डेटा आपके पास डेस्टिनेशन का एड्रेस जरूर होना चाहिए तभी आप सेकंड स्टेप की तरफ मूव कर पाएंगे ट्रांसमिट कर पाएंगे जिस तरह डे वन से चैप्टर नंबर वन से मैं आपको एक बात कहती आ रही हूँ कि जब हम स्टेप्स की बात करते हैं हमें सीक्वेंस में चलना बहुत ज़रूरी है तभी हम एक सिस्टमेटिकली मूव करते हैं और हमारे पास एरर के चांसेस कम होते हैं आप सीक्वेंस को अप एंड डाउन नहीं करते कर सकते आप किसी स्टेप को मिस नहीं कर सकते अगर आपने ऐसा किया तो वो जो प्रोसेस डेवलप किया गया है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा सो so, पहला स्टेप हमारे जब हम डेटा कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं पहला स्टेप है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू नो द डेस्टिनेशन एड्रेस कि जो डेटा हमने सेंड करना है आखिर वो किस एड्रेस पर जाएगा सेकेंड स्टेप भी आता है हमारा कि हमने जो डेटा ट्रांसफर करना है वो हमने ट्रांसफ़र किस तरह से करना है किस तरह से ये डेटा पहुँचेगा अपनी डेस्टिने फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि आपने जिस तरह फोन कॉल करनी है आप घर पे बैठे हैं और आपने अपने किसी रिलेटिव किसी फ्रेंड को कॉल करनी है आपके लिए पहली चीज होना क्या जरूरी है आपके लिए होना जरूरी ये है कि आपने जिसको भी कॉल करनी है उसका नंबर आपके पास हो और हर यूजर के पास एक डिफरेंट टेलीफोन नंबर है आप जो मोबाइल फ़ोन या लैंडलाइन नंबर जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता हर इंडिविजुअल के पास जो भी नंबर है टेलीफोन नंबर वो एक यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स है यहाँ पे रेपिटेशन नहीं आ सकती कि मेरा भी सेम नंबर है आपका भी टेलीफोन नंबर सेम हो अगर रेपुटेशन आ जाएगी तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी डेटा ट्रांसफर रिलायबल तरीके से नहीं हो सकेगा हमारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा ट्रांसफर करते हुए कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी कि डेटा जाना किसको है यहाँ पर तो दो सेम एड्रेसेस के लोग हैं यहाँ पर जो डेस्टिनेशन है वो दो जगह पर है तो कहाँ पर जाएगा इसलिए हमारे पास यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर होता है जब हम टेलीफोन की बात करते हैं आपके पास टेलीफोन नंबर होगा अपने फ्रेंड का तभी आप उसको कॉल मिलाकर फोन पर बात कर सकते हैं इसी तरह ही जब हम इंटरनेट कम्युनिकेशन की बात करते हैं इंटरनेट कम्युनिकेशन जहां पर आती है वहां पर आप याद रखिएगा हम आईपी एड्रेसेस को एड्रेस कर रहे होते हैं जैसे है टीसीपी आईपी हमने देखा था ये वो प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर हमारी कम्युनिकेशन को देख रहा होता है सो so, टी सी पी आई पी का जो सेकेंड पार्ट है दैट इज आई पी इंटरनेट प्रोटोकॉल तो so, ये आईपी एड्रेस होना बहुत जरूरी है जब आपने ओवर द इंटरनेट कोई कम्युनिकेशन करनी है सो हर डिवाइस के पास हर सिस्टम के पास अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है यहाँ पर हमारे पास दो तरह के आईपी एड्रेस हैं एक है स्टैटिक आईपी एड्रेस और एक है डायनामिक आईपी एड्रेस स्टैटिक आईपी एड्रेस का मतलब ये है कि जब भी आप कनेक्ट करें आपके सिस्टम को आपकी डिवाइस को एक नंबर असाइन कर दिया गया है वो आपका चेंज नहीं होगा दैट इज स्टैटिक आई एड्रेस अगर बात करें डायनेमिक आई एड्रेस की तो जब जब आप कनेक्ट करेंगे ऑन द नेटवर्क आपका आई एड्रेस हर दफा चेंज होता जाएगा ये है दोनों का Difference. बात करें अगर हम सेंडिंग रिक्वेस्ट जिस तरह मैंने आपको बात की कि हम जब प्रोटोकॉल्स डिस्कस किए थे हमने एच टी प्रोटोकॉल देखा था और हमने ये देखा था एच टी प्रोटोकॉल जो है वो हम यूज करते हैं जब हम सर्वर पे वेब पेजेस को एक्सेस कर रहे होते हैं तो जो हम ये डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट का जो वर्ल्ड वाइड वेब है एक इंटरनेट है इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर्स ये जब हम एक्सेस कर रहे होते हैं इसको हम एक्सेस करते हैं थ्रू दिस प्रोटोकॉल दैट इज एच टी टी पी प्रोटोकॉल इस पर हम रिक्वेस्ट सेंड कैसे करते हैं अपना रिस्पॉन्स कैसे गेट करते हैं जब हम इस पर आप कोई भी टाइप करते हैं कोई भी वेबसाइट टाइप करते हैं उसको हम कहते हैं एच टी टी पी रिक्वेस्ट यानी कि ये रिक्वेस्ट सेंड हुई है एच टी टी पी सर्वर को सो द कम्युनिकेशन बिटवीन अ सर्वर एंड क्लाइंट इज बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट एंड देयर रिस्पॉन्सेज आपका जो सर्वर है एच सर्वर जो है सर्वर सर्व्स अ रिक्वेस्ट सेंड बाय क्लाइंट जो हमने क्लाइंट सर्वर मॉडल में भी डिस्कस किया था सर्वर का क्या काम है वो सर्व करता है जो भी उसको क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है यहाँ पे हम एच की बात कर रहे हैं तो हमारा सर्वर वो है हमने उसको रिक्वेस्ट सेंड की है और ये सारा कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है ये इसी तरह ही काम करता है कि हम बेस्ड हमारी जो क्लाइंट ने जो भी रिक्वेस्ट की है वो क्या है और उस रिक्वेस्ट पर बेस करते हुए सर्वर हमें क्या रिस्पॉन्स दे रहा है अगर बिलफाज़ एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम यूज़ कर रहे हैं वेब सर्वर का और अगर हम कोई यू आर एल टाइप करें यू आर एल मतलब कि किसी भी वेबसाइट का एड्रेस फॉर एग्ज़ाम्पल हमने टाइप की डब्ल्यू 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 डॉट पाकिस्तान डॉट जी ओ वी डॉट पी के ये हमने वेबसाइट अगर आपने टाइप की है अपने यू आर एल बार पर जो आपकी पेज पर पे नज़र आ रही होती है आपको गूगल के अगर आपने उस पर टाइप किया है या आपने भेजी है रिक्वेस्ट आगे एच आ जाएगा जब आपके पास वो वेबसाइट डाउनलोड हो जाएगी उसके जब कॉन्टेंट शो होंगे वो आएगा रिस्पांस आ गया आपके पास आपको एच सर्वर ने वो रिस्पांस सेंड किया है अब ये रिस्पांस बेस कर सकता है इसमें आपको जब पेज डाउनलोड होगा इस पर टेक्स्ट हो सकता है इस पर पिक्चर्स हो सकती हैं इस पर डिफरेंट साउंड्स हो सकती हैं ये जो, जो स्क्रीन आप पर नज़र आ रही है आपको जब आपने ये वेब एड्रेस टाइप किया यू टाइप किया डब्ल्यू तो ये रिक्वेस्ट गई एच सर्वर पर और एच सर्वर ने इसका रिस्पांस दिया जो आपने रिक्वेस्ट की हुई थी वो वेबसाइट आपको दे दी उसकी कुछ शक्ल ऐसी नज़र है उसका होम पेज कुछ ऐसा है जिस पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट भी है इमेजेस भी हैं और कुछ वीडियोस भी हैं अगर आप उन पर क्लिक करें सो रिस्पॉन्स डिपेंड कर रहा होता है कि आपने क्या रिक्वेस्ट भेजी है वेब सर्वर्स हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें एक्सेस करना होता है वर्ल्ड वाइड वेब को जिसको हम डब्ल्यू भी कहते हैं हमें बहुत आसान तरीके से ये वेब सर्वर एक्सेस करने की इजाजत दे देता है डब्ल्यू को हम जितनी भी वेबसाइट्स हम इस्तेमाल करते हैं आप सोच आप अपनी डेली लाइफ में कितनी सर्च कर रहे हैं कितनी वेबसाइट्स को गो थ्रू कर रहे हैं वो सारी डीलिंग कौन कर रहे हैं हमारे वेब सर्वर्स कर रहे हैं वेब सर्वर्स एंड वेब ब्राउजर्स फंक्शन टूगेदर एज अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम ये जो वेब ब्राउजर्स हैं ये आपको जो भी ये पेज ओपन हो रहा है जिस पर आप क्लिक करते हैं कोई किसी का नाम गूगल है किसी का क्रोम है आपको जब भी आप इन पर क्लिक करते हैं ये ब्राउजर्स ओपन होते हैं ये ब्राउज़र्स हमें एक्सेस करने में आसानी देते हैं कि हमने जो भी साइट ओपन करनी है वो आराम से एक अच्छे तरीके से हमें विजिबल हो जाती है हमें कोई कॉम्प्लिकेशनस नहीं आती हमें कोई बहुत ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने पे वेब ब्राउज़र्स हैं हमें बहुत आसान तरीके में एक्सेस दे देते हैं हमारी वेबसाइट्स का वेब ब्राउजर्स और वेब सर्वर्स जो है ये फंक्शन टुगेदर एज़ क्लाइंट सर्वर्स आपका सर्वर क्या है वेब सर्वर जो है दैट इज अ सर्वर और वेब ब्राउजर यहाँ पे एक क्लाइंट की सूरत में काम कर रहा है बिकॉज हमने वेब ब्राउजर के अंदर से अपनी रिक्वेस्ट दी है जो गई है वेब सर्वर के पास और फिर वेब सर्वर ने हमारी रिक्वेस्ट का रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्स दिया है क्लाइंट इज अ सर्वर दैट हैज अ स्टैंडर्ड मेथड फॉर डिजाइनिंग एप्लीकेशन वे डेटा इज कैप्ड इन सेंट्रल लोकेशन जो कि जिन उन सेंट्रल लोकेशन को हम सर्वर कहते हैं एंड एफिशिएंटली शेयर विद एनी नंबर ऑफ अदर कंप्यूटर रिक्वेस्ट अब क्लाइंट क्या है क्लाइंट एक सर्वर है बेसिकली जिसका काम क्या है उसने डिज़ाइन किए हुए एप्लीकेशन को जहाँ पे डेटा सेंट्रल सर्वर में रखा जाता है सेंट्रल लोकेशन में रखा जाता है जिसको हम सर्वर कंप्यूटर कहते हैं और वो क्यों डिज़ाइन किया गया ताकि एफिशिएंटली हम लोग शेयर कर सकें जो भी हमारे पास वेब सर्वर के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन है जितने भी क्लाइंट्स उसको एट अ टाइम यूज़ करना चाह रहे हैं वो आराम से उसको एक्सेस कर लें और वो तरीके से एक स्ट्रैटेजिकली और एक सिस्टमेटिक मैनर में हर क्लाइंट को रिस्पॉन्स दे रहा होता है यहाँ पर ये तो था डी स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया कि आखिर हमें एड्रेसिंग की ज़रूरत क्यों पेश आई और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और जब हम वेब सर्वर्स की बात कर रहे होते हैं जब एस की बात कर रहे होते हैं वह हम कैसे रिक्वेस्ट भेजते हैं और उसका रिजल्ट हमें उसका रिस्पॉन्स हमें कैसे आता है आपने जो भी अभी तक इंफॉर्मेशन ली उसको चेक करने के लिए हम लेंगे एक शॉर्ट सा क्वेज उस शॉर्ट से क्वेज में देखेंगे जो अब तक के लेक्चर्स में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है आपने कितनी रिटेन की है और कितनी इफेक्टिवली आप इन छोटे से क्वेज को आंसर करते हैं सो so, हम स्टार्ट करेंगे अपना एम पार्ट सो द फर्स्ट एम सी क्यू दैट इज ऑन योर स्क्रीन सेज डैश इज अ डिवाइस दैट रिसीव मैसेज इट इज ऑल्सो नोन एज अ सिंक अगर याद हो आपको जब हम कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम की बात कर रहे थे तब हमने देखा था वो क्या डिवाइस है जो कि मैसेजेस रिसीव करती है और उसको हम सिंक भी कहते हैं आपकी ऑप्शंस हैं रिसीवर सेंडर नेटवर्क और सोर्स इन चार टी वी में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन दैट इज राइट रिसीवर इज अ डिवाइस दैट रिसीव मैसेजेस और इसको हम सिंक भी कहते हैं अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था इसको हम सिंक भी कहते हैं इसको हम डेस्टिनेशन भी कहते हैं इसको हम रिसीवर भी कहते हैं तो इन चार दीवी में द करेक्ट आंसर इज द द द ऑप्शन नंबर दैट दैट इज 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 रिसीवर ऑन योर स्क्रीन सेज प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर फाइल ओवर अ नेटवर्क कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है जब हमने नेटवर्क के ऊपर फाइल को ट्रांसफर करना हो बहुत इजी आज ही के लेक्चर में हमने इसका एक रिकेप भी लिया है ऑप्शन हैं आपकी एस टी एम एल एच टी टी पी एफ टी पी या ए एल पी इन चार दीवी ऑप्शन में से कौन सा वो प्रोटोकॉल है जो अब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने नेटवर्क के ऊपर फाइल्स को शेयर करना हो फाइल्स को ट्रांसफर करना हो एक जगह से दूसरी जगह द करेक्ट ऑप्शन इज एफ टी पी एफ टी पी इज अ प्रोटोकॉल दैट इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग द फाइल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर एंड इट स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल द नेक्स्ट एम सी क्यू से The dash is the data or information to be communicated. Again, जब हमने components of communication system की बात की थी तब हमने देखा था इस बात को कि वो क्या है जो कि data या information है जिसको हमने communicate करना है Options है आपके पास sender, center, networks और message. इन चार दीवी ऑप्शन में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन दैट इज राइट नंबर फोर पर जो हमारी ऑप्शन है मैसेज द मैसेज इज द डेटा और इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड मैसेज है वो डेटा या इंफॉर्मेशन जो हमने कम्युनिकेट करनी होती है एक्चुअली द नेक्स्ट एम सी क्यू से कम्युनिकेशन मीडियम कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स इज ऑल्सो कॉल्ड अ ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम जो कि मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहा है उसको हम और क्या कहते हैं तो हमने कम्युनिकेशन मीडियम बताया उसको और हम किस और नाम से भी जानते हैं ऑप्शन है आपके पास सोर्स कम्युनिकेशन चैनल टारगेट और वायर इन चार दीवी ऑप्शन में से कौन सी है बेस्ट सुटेबल ऑप्शन दैट इज राइट ऑप्शन नंबर बी दैट कम्युनिकेशन चैनल हमने बात की थी कि कम्युनिकेशन मीडियम को हम कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं हम ट्रांसमिशन मीडियम भी कहते हैं ट्रांसमिशन चैनल भी कहते हैं सो कम्युनिकेशन मीडियम ट कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसिस ऑल्सो कॉल कम्युनिकेशन चैनल द नेक्स्ट एम सी क्यू इज अज यूज टू आइडेंटिफाईन गोइंग टू रिसीव द मैसेज आज ही के लेक्चर में आपको बात बताई मैंने पहले भी हमने की थी आज हमने दोबारा से इसको डिस्कस किया कि वो क्या है जो आइडेंटिफाई करता है कि किस एप्लीकेशन ने इस मैसेज को रिसीव करना है ऑप्शन है आपके पास एल पी टी पोस्ट नंबर नेटवर्क पोर्ट या पैरेलल वो क्या है जो कि हम यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन दैट इज गोइंग टू रिसीव द मैसेज ऑप्शन में से आपके पास कौन सी है करेक्ट ऑप्शन दैट इज राइट अ पोर्ट नंबर इज यूज टू एप्लीकेशन गोइंग टू रिसीव द मैसेज लास्ट एम फॉर द डे से विच इज ऑल्सो कॉल्ड हेडर ऑफ अ मैसेज जब हमने कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम में डिस्कस कर रहे थे हम मैसेज वाले पार्ट को तो हमने देखा था कि हमने मैसेज को डिवाइड किया हुआ है टू पार्ट्स में तो वो कौन सा पार्ट है जो कि हेडर ऑफ द मैसेज कहलाता है ऑप्शन है आपके पास मैसेज कंट्रोल इंफॉर्मेशन पे और मेन इंफॉर्मेशन इन चार दीवी ऑप्शन में से कौन सी है करेक्ट ऑप्शन दैट इज राइट कंट्रोल इंफॉर्मेशन इज द पार्ट दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हेडर ऑफ अ मैसेज इसी के साथ हमारा ये शॉर्ट सर्कविज हुआ एंड सो डियर स्टूडेंट्स ये तो था हमारा आज का लेक्चर उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में तब तक रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल अल्लाह